मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत। स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। अ फ्यू डेज लेटर द महाराज सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। मीन्स कुछ दिनों बाद ही महाराज के बेटे का तीसरा बर्थडे, जो थर्ड बर्थडे था, वो सेलिब्रेट हुआ। Until then, the Maharaj had given his entire mind over to tiger hunting. क्योंकि इसके पहले महाराज ने अपना पूरा ध्यान किधर दिया हुआ था? टाइगर हंटिंग पर। He had no time to spare for the crown prince. महाराज के पास अपने अगले जो क्राउन प्रिंस था, उनका बेटा, उसके लिए बिल्कुल टाइम, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं था। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब महाराज has completed his vow. So he wanted to consider his family first. अब उन्होंने decide किया कि वो अपने बच्चे की तरफ attention, उसकी तरफ ध्यान देंगे। Then he wished to give him some special gift on his birthday. और उन्होंने decide किया कि वो उसके birthday पर कुछ special gift उसे देने जा रहे हैं। He went to the shopping center in Pratibandhpuram and searched every shop. खुद महाराज जो थे शॉपिंग सेंटर में गए और उन्होंने हर एक दुकान पर ढूंढ कर देखा कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट अपने बच्चे के लिए, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन कोई भी सुटेबल गिफ्ट उनको अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आता है। फाइनली स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। फाइनली एक वुडन टाइगर जो था, एक खिलौने टॉय शॉप मीन्स खिलौने की जो दुकान थी, वहाँ पर एक लकड़ी का टाइगर बना हुआ उनको दिखाई देता है और वो उन्हें लगा कि वो उनके बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट होगा। सो द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड अ क्वार्टर। लेकिन एक्चुअल में उस वुडन टाइगर की कीमत कितनी थी? सिर्फ 2 आना एंड क्वार्टर, मीन्स अगर 2.25 आना सिर्फ उसकी कीमत थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराज ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। लेकिन जो शॉपकीपर था वो भी बहुत कनिंग था, तो उसको पता था कि अगर मैंने महाराज जैसे इतने डिग्निटी पर्सन को मैंने अगर इतने हल्के रेट, इतने कम रेट मैंने उनको बताए, तो इमरजेंसी के तहत मुझे क्या किया जाएगा, मुझे पनिश कर दिया जाएगा कि ये मेरा उनको इस तरीके के रेट बताना, उनके इंसल्ट करना होगा और इसकी सज़ा मुझे दी जाएगी। सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। सो ही सेड कि महाराज ये तो क्राफ्टमैनशिप मतलब स्किल, शिल्प कला। तो कहते हैं महाराज ये तो शिल्प कला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। और इस तरीके से ओनली 2 आनाज अ क्वार्टर, मतलब 2.25 आने का जो छोटा सा टाइगर, वुडन टाइगर होता है, उसको उसने महाराज को बार्गेनिंग करके 300 रुपीज़ के अंदर महाराज को वो सेल कर देता है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू बी क्राउन प्रिंस On his birthday, said the Maharaj and took it away with him. महाराज ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारा अच्छा मतलब ऑफर है जो क्राउन प्रिंस है उसके बर्थडे के लिए, और फाइनली उसको पेमेंट करके वो उसे ले जाते हैं। On that day, father and son played with tiny little wooden tiger. Father and son, who is father here? The tiger king, and son means crown prince, उनका बेटा। तो दोनों आपस में मतलब मिलकर खेल रहे होते हैं, महाराज खिला रहे होते हैं अपने बच्चे को। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, क्राफ्टमैनशिप मींस स्किल। नाउ व्हाट हैपेंड, महाराज वाज प्लेइंग विद हिज सन, द गिफ्ट द टाइगर हैज बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। मतलब एक्चुअल में क्या था कि वो जो टाइगर था वो कार्ड मीन्स रॉट बाय कटिंग इन, मतलब खुदाई जो उसकी की गई थी वो साफ नहीं थी, मतलब उसे तराशा नहीं गया था, उसको स्मूद नहीं किया गया था, उसके सरफेस को, उसका सरफेस अभी भी
रफ था, इट्स सरफेस वॉज रफ. टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुडन स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट. मतलब छोटी छोटी स्लीवर्स, स्लीवर्स मीन्स थिन पीसेज ऑफ समथिंग या स्प्लिंटर्स, मतलब जो लकड़ी की छोटी छोटी सी फांस या धांस सी जो होती है वो उसके ऊपर निकली हुई थी. वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराज राइट हैंड. और ऐसी ही एक जो स्प्लिंटर थी महाराज के राइट हैंड के अंदर पियर्स मीन्स मेड अ होल इन टू, वो उनके स्किन में घुस जाती है. ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड. और उन्होंने इसको लाइटली लिया, उन्होंने जो लेफ्ट हैंड था उससे उसको निकाला, फेंका एंड कंटिन्यू टू प्ले विद हिज द प्रिंस. और फिर से वो प्रिंस के साथ खेलने लगे. द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराज राइट हैंड. अगले ही दिन महाराज के राइट हैंड में जहाँ पर वो स्प्लिंटर लगी थी पूरे में इन्फेक्शन मीन्स इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से होता है, तो वो एकदम से वहाँ पर पूरा फ्लेयर्ड मीन्स स्प्रेड, फैल गया. इन फोर डेज, और सिर्फ चार दिनों में इट डेवलप्ड इंटू अ स्प्रेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म. स्प्रेटिंग मीन्स फॉर्मिंग पस, मतलब पूरे में पस पड़ जाने वाला घाव जो था वो बन गया और उनके पूरे हाथ में फैल गया. थ्री फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास. तीन फेमस सर्जन मद्रास के बुलाए गए महाराज को देखने के लिए. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन विद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. मतलब महाराज के साथ बातचीत करने के बाद, कंसल्ट करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने का डिसाइड किया. द ऑपरेशन टुक प्लेस. महाराज का ऑपरेशन किया गया. नाउ मार्क द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. क्विल्स, स्लीवर, स्प्लिंटर, देन कार्ब्ड मीन्स रोड बाय कटिंग, अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड मीन्स अनट्रेन्ड, एंड इन्फेक्शन. इन्फेक्शन मीन्स इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड पियर्स मीन्स मेड अ होल इन टू. देन द वर्ड राइट हैंड फ्लेयर्ड मीन्स स्प्रेड. स्पिरेटिंग मीन्स फॉर्मिंग पस. एंड सर्जन्स डॉक्टर हु परफॉर्म ऑपरेशंस. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. थ्री सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस. तीन ऑफ डॉक्टर सर्जन जो कि इस ऑपरेशन को कर रहे थे वो आते हैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर और कहते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. कि ऑपरेशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, द महाराज इज डाइड. लेकिन महाराज जो थे वो मर गए, महाराज नहीं बचे. इन दिस मैनर द 100 टाइगर took its final revenge upon the tiger king. और इस तरीके से फाइनली जो 100वां टाइगर था, महाराज ने सावधानी नहीं रखी और उसने अपना रिवेंज मीन्स अवेंज मीन्स अपना बदला उसने फाइनली महाराज से ले लिया. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड चैप्टर ऑफ विस्टास द टाइगर किंग. आई विल अपलोड ऑल द रिलेटेड असाइनमेंट्स, कंप्लीट नोट्स एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. डू इन योर फेयर कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.